हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एरिया और पैरीमीटर में क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जब हमें एरिया निकालने की जरूरत पड़ती है और किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें पैरीमीटर निकालने की जरूरत पड़ती है। सो ये हम तभी पहचान सकते हैं जब हमें पता हो कि एरिया और पैरीमीटर में डिफरेंस क्या होता है। सो आज की वीडियो में हम ये दोनों का डिफरेंस सीखेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एरिया एंड पैरीमीटर, सबसे पहले देखते हैं कि पैरीमीटर क्या होता है, पैरीमीटर के लिए किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिनमें हमें पैरीमीटर निकालना होता है। सो बेसिकली पैरीमीटर क्या होता है? पैरीमीटर होता है बाउंड्री। जब भी किसी शेप में, किसी क्वेश्चन में कुछ भी बाउंड्री पर किया जाता है तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है पैरीमीटर निकालने की। अब किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं इसमें? मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, उस रेक्टेंगुलर गार्डन पर फेंसिंग लगाई गई है। फेंसिंग का क्या मतलब होता है? जब भी गार्डन के बाहर यहाँ पे कोई नेट सा, जाली सा लगाया जाता है उसे फेंसिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर वन वायर फेंसिंग लगाई गई है। वन वायर फेंसिंग का मतलब ये हुआ कि एक वायर, सिंगल वायर से यहाँ पर फेंस कर दिया है, सिर्फ सिंगल वायर यूज़ की है उससे यहाँ पर फेंस किया गया है। जो भी काम किसी भी शेप के, किसी भी जगह के बाउंड्री पर किया जाएगा उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पैरीमीटर की। अब क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा जाएगा? क्वेश्चन में कहा जाएगा ये गार्डन है, गार्डन के यहाँ पर हमने वन वायर की फेंसिंग कर दी है, अब बताओ वायर कितनी यूज़ हुई। अब अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि वायर कितनी यूज़ हुई, ये बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका पैरीमीटर निकालना पड़ेगा। अब पैरीमीटर निकाला कैसे जाता है? पैरीमीटर किसी भी शेप का निकालना हो हमें क्या करना होता है उसके लिए? उसकी सारी साइड्स को ऐड कर देना होता है, यानी कि ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड। जब हम उस किसी भी शेप की सारी साइड्स ऐड कर देते हैं तो हमारा पैरीमीटर निकल जाता है। यही काम हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और यही काम हम ऐड करके भी कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट एग्जांपल। इसी में थोड़ा बहुत चेंज करके जो एग्जांपल आता है, क्वेश्चन आता है, वो इस तरीके से आ सकता है कि कोई गार्डन है, गार्डन में फेंसिंग की गई है बट टू वायर फेंसिंग की गई है। मतलब यहाँ पे क्या किया, फेंसिंग करते समय दो बारी वायर लगाई गई है। अब अगर दो बारी वायर निकाली लगाई गई है तो अब उसके लिए क्या करना होगा? निकालेंगे तो हम इसमें भी पैरीमीटर ही। अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ कितनी वायर यूज हुई है फेंसिंग करते टाइम, तो हम क्या करेंगे? इसका पैरीमीटर निकालेंगे, पैरीमीटर को इससे डबल कर देंगे। क्यों? क्योंकि वायर जो है वो दो बारी लगी है, दो लाइनें लगी हैं वायर की। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पैरीमीटर निकाल के उसके पैरीमीटर को डबल कर देंगे तो पता चल जाएगा कितनी वायर यूज़ हुई है। क्वेश्चन सेम है, जस्ट वो छोटा सा वेरिएशन करने के लिए ये किया जा सकता है कि वायर के नंबर्स बढ़ाए या घटाए जा सकते हैं। एक और एग्जांपल क्या हो सकता है? एक एग्जांपल हो सकता है कोई कपड़ा है, कपड़े के ऊपर लेस यूज़ की गई है। अब वो कपड़ा क्या हो सकता है? टेबल क्लॉथ हो सकता है, दुपट्टा हो सकता है, साड़ी हो सकती है या किसी भी तरीके का कोई कपड़ा हो सकता है, किसी भी शेप में कोई कपड़ा हो सकता है जिस पर हमें लेस लगानी है और बताना है कि वो लेस कितनी यूज़ की गई है। इसमें भी सेम चीज़ होगी, लेस एक बारी लगाई जा सकती है बाउंड्री पे या फिर डबल करके लगाई जा सकती है या नंबर ऑफ टाइम्स लगाई जा सकती है। मान लेते हैं कोई कपड़ा है स्क्वायर शेप का, अब उसके आर पर यहाँ पर लेस लगाई गई। अब हमसे पूछा गया है कि बताओ कि ये जो लेस लगाई है ये कितनी यूज़ हुई है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भी हमें पैरीमीटर निकालना पड़ेगा क्योंकि ये काम जो है वो बाउंड्री पर हुआ है। अब हमें ये बताना है लेस कितनी यूज़ हुई है, तो हम क्या करेंगे? इसका पैरीमीटर निकालेंगे। और पैरीमीटर कैसे निकाला जाएगा? सारी साइड्स को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा पैरीमीटर निकल जाएगा। किसी भी शेप में कोई भी चीज़ होगी उसकी अगर सारी साइड्स हम ऐड कर देंगे तो हमारा पैरीमीटर निकल जाता है, चाहे वो शेप रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो या फिर स्क्वायर हो या कोई और शेप हो, बस उसकी सारी साइड्स को ऐड कर दो तो उससे हमारा पैरीमीटर निकल जाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो पैरीमीटर में बेसिकली पूछे जाते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी जगह पर अगर बाउंड्री में कोई काम किया गया है तो उस बाउंड्री में काम करने के लिए कोई मटेरियल यूज़ हो रहा है तो क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि वो मटेरियल कितना यूज़ होगा ये बताओ।
तो अगर बाउंड्री पे काम हुआ है तो हमें सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें उसका पेरीमीटर निकालने की ज़रूरत है। और अगर हमें उसका पेरीमीटर निकालना है तो हमें क्या करना है, हमें उसकी सारी साइड्स को ऐड कर देना है। सिर्फ हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बाउंड्री पे जो काम किया जा रहा है वो मटेरियल जो भी यूज़ किया जा रहा है उसको कितनी बारी लगाया जा रहा है बाउंड्री पे, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हमें पता होगा कि वो मटेरियल कितनी बार लगाया गया है, यानी कि जैसे यहाँ पर फेंसिंग की गई थी तो फेंसिंग दो बारी की गई है, यानी कि वायर को दो बारी यूज़ किया गया है, तो अगर हम इसका सिर्फ पेरीमीटर निकाल के छोड़ देंगे तो हमारा आंसर इनकम्प्लीट रह जाएगा। हमें यहाँ पे बोला है कि दो बारी वायर यूज़ की गई है, तो अगर दो बारी यूज़ की गई है तो हम पेरीमीटर निकालेंगे, उसके बाद उसको डबल कर देंगे, तो जिससे हमें पता चल जाएगा कितनी वायर यूज़ हुई है। एरिया, एरिया का मतलब होता है कोई भी शेप कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वो स्पेस कहलाता है एरिया। मतलब कोई भी शेप जो किसी जगह पर पड़ी हुई है उस जगह पर रह के उसने कितनी जगह घेर रखी है, जब हमें वो निकालना होता है तो उसके लिए हमें एरिया निकालने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने कोई रेक्टेंगल शेप की चीज़ ले ली है और मैंने उसे यहाँ पे रख दिया है, और अब बोला जाता है कि बताओ कि इस चीज़ ने कितनी जगह घेर रखी है, तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें निकालना होगा इसका एरिया। क्यों? क्योंकि हमें ये बताना है कि ये सारी जगह जो इसने घेरी है इतनी, ये सब है कितनी जगह। तो ये जब मुझे निकालना होता है तो उसके लिए मुझे उसका एरिया निकालना पड़ता है। अब यहाँ पर एरिया और पेरीमीटर का डिफरेंस पता चलता है। पेरीमीटर हमने जब निकाला, जब हमें बाउंड्री की बात करी, यानी कि जब भी कोई काम बाउंड्री पर किया जाएगा तो हमें पेरीमीटर निकालना होगा, जब भी काम कुछ अंदर में किया जाएगा या अंदर के स्पेस की बात की जाएगी तो हमें एरिया निकालना होगा। अब इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें क्वेश्चंस आते हैं जैसे कोई वॉल है, वॉल पर हमें टाइल्स लगानी है। अब वो टाइल्स अगर हमें लगानी है तो बताना है कि कितनी टाइल्स इस वॉल पर लग जाएंगी। इसके लिए हमें दे दिया जाएगा क्वेश्चन में वॉल का मेजरमेंट और एक टाइल का मेजरमेंट। अब पूछा जाएगा बताओ कितनी नंबर ऑफ़ टाइल्स इसके अंदर लग सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ वॉल। एरिया ऑफ वॉल निकालेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि इस पूरी वॉल में कितनी जगह है, मतलब ये पूरा कितना स्पेस है, एरिया ऑफ वॉल निकाल के हमें पता चल जाएगा। फिर हम निकालेंगे टाइल का एरिया, और टाइल का एरिया जब हम निकालेंगे तो टाइल के एरिया से हमें ये पता चलेगा कि एक टाइल कितनी जगह घेर रही है। जब मुझे ये पता चल जाएगा कि एक टाइल कितनी जगह घेर रही है तो हम क्या करेंगे, पूरे वॉल के एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे। जब हम पूरे वॉल के एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ टाइल्स कितनी इस पूरी वॉल में लगेंगी। इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो एरिया में पूछे जाते हैं। जैसे इसी की जगह ये पूछा जा सकता है कि कोई पेपर है, उस पेपर में हमें कुछ कटिंग करनी है, सेम मेजरमेंट्स की कुछ कटिंग करनी है, उसकी मेजरमेंट दे दी जाएगी कि कितनी मेजरमेंट की कटिंग करनी है। अब बताओ इस पूरे पेपर को मुझे अगर कट करना है तो कितने ऐसे पीसेस मेरे निकल जाएंगे, तब भी सेम ही तरीके से हमें ये सॉल्व करना होगा। इस तरीके के जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हमें उसमें एरिया निकालने की ज़रूरत पड़ती है। या फिर बोला जा सकता है कोई कपड़ा है, हमें ये परचेस करना है, लेकिन अभी हमें सिर्फ इसका 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट बताया हुआ है कि इतने से हिस्से का क्या कॉस्ट है, ये बता दिया है। अब बोला जाएगा कि इस पूरे हिस्से का, यानी कि पूरे कपड़े का कॉस्ट निकालो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस पूरे कपड़े का एरिया निकालेंगे। जब हम पूरे कपड़े का एरिया निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक अगर इतने टुकड़े का कॉस्ट हमें दिया हुआ है तो पूरे कपड़े का एरिया निकाल कर हम उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये पूरा कपड़ा कितने रुपए में परचेस किया जा सकता है। तो अब यहाँ हमने क्या पता किया, एरिया एंड पेरीमीटर में जो डिफरेंस है वो ये है, पेरीमीटर मतलब सिर्फ बाउंड्री और एरिया मतलब ये अंदर का हिस्सा, यानी कि एरिया का मतलब कितना स्पेस घेरा जा रहा है और पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री पर जो भी काम किया जा रहा है वो कितना काम हो रहा है, मतलब कोई मटेरियल अगर यूज़ किया जा रहा है तो वो मटेरियल कितना यूज़ हो रहा है, ऐसी चीज़ें निकालने के लिए हमें पेरीमीटर निकालने की ज़रूरत पड़ती है। और जब अंदर के हिस्से की बात की जाती है, यानी कि यहाँ की बात की जाती है, तो उसके लिए हमें एरिया निकालने की ज़रूरत।